नमो तस भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस। नमो तस भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस। नमो तस भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस। आज हम तथागत सम्यक संबुद्ध द्वारा जो कालाम सूत्र के संबंध में उपदेश दिया गया था उस पर चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा है। कृपया आपसे मैं आशा करता हूँ कि आप ध्यान देकर सुनने का प्रयत्न करेंगे और इसको अर्थ सहित ग्रहण करेंगे। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान बुद्ध कोशल जनपद में महान भिक्षु संघ के साथ चारिका करते हुए जहाँ केशपुत्र नाम कालामों का निगम था वहाँ पहुँचे। केशपुत्रीय कालामों ने सुना कि शाक्य कुल से प्रवजित शाक्य पुत्र श्रवण गौतम केशपुत्र पधारे हैं। उन भगवान गौतम बुद्ध का इस प्रकार से सुयश फैला हुआ है, वह भगवान पूज्य है, सम्यक संबुद्ध है, विद्या तथा आचरण से युक्त है। वे अपने ज्ञान को प्रकाशित करते हैं और गाढ़ते हैं और सभी प्रकार से सही मार्गदर्शन करते हैं। तो ऐसे अरहंतों का दर्शन करना अच्छा होता है। उस समय केशपुत्रीय कालाम जहाँ भगवान थे वहाँ गए। पास जाकर कुछ भगवान को नमस्कार कर एक और बैठ गए। कुछ भगवान के साथ कुशल क्षेम का वार्तालाप करके एक और बैठ गए। कुछ भगवान को हाथ जोड़कर नमस्कार करके एक और बैठ गए। कुछ अपना नाम गोत्र सुनाकर एक और बैठ गए। कुछ चुपचाप एक और बैठ गए। एक और बैठे केशपुत्रीय कालामों ने भगवान को यह कहा, भन्ते, कुछ श्रवण ब्राह्मण केशपुत्र आते हैं, वे अपने ही मत को प्रकाशित करते हैं, चमकाते हैं, दूसरे के मत की निंदा करते हैं, अनादर करते हैं, तिरस्कार करते हैं, उसे पक्षरहित करते हैं। भन्ते, दूसरे भी कुछ श्रवण ब्राह्मण के पुत्र आते हैं, वे भी अपने ही मत को प्रकाशित करते हैं, चमकाते हैं, दूसरों के मत की निंदा करते हैं, अनादर करते हैं, तिरस्कार करते हैं, उसे पक्षरहित करते हैं। भन्ते, इससे हमारे मन में शक पैदा होता है, संदेह पैदा होता है कि इन श्रवणों में से किसने सत्य का और किसने झूठ। हे कालाम, शक करना ठीक है, संदेह करना ठीक है, शक करने ही की जगह पर संदेह उत्पन्न हुआ है। हे कालामो, आओ, तुम किसी बात को केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह बात अनुश्रुत है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह बात परंपरागत है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह बात इसी प्रकार कही गई है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह बात धर्म ग्रंथ पिटक के अनुकूल है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह तर्कसम्मत है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह न्यायशास्त्र सम्मत है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह आकार प्रकार से सुंदर है, और केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह हमारे मत के अनुकूल है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह कहने वाले का व्यक्तित्व आकर्षक है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि कहने वाला श्रवण हमारा पूज्य है। हे कालानु, जब तुम स्वयं अनुभव से
अपने आप ही यह जान लो कि ये बातें अकुशल है, ये बातें सदोष है, ये बातें विज्ञ पुरुषों द्वारा निंदित है। इन बातों के अनुसार चलने से अहित होता है, दुख होता है। तो हे कालानमो, तुम उन बातों को छोड़ दो। तो हे कालामो, क्या मानते हो? पुरुष के अंदर जो लोभ होता है वह उसके हित के लिए होता है वा अहित के लिए? भंते, अहित के लिए। हे कालामो, जो लोभी है, जो लोभ से अभिभूत है, जो असंयत है, वह प्राणी हत्या भी करता है, चोरी भी करता है, परस्त्री गमन भी करता है, झूठ भी बोलता है और दूसरों को भी वैसे करने की प्रेरणा देता है, जो कि दीर्घकाल तक उसके अहित तथा दुख का कारण होता है। बनते ऐसा ही। तो ये कालामो, क्या मानते हो? पुरुष के अंदर जो द्वेष उत्पन्न होता है वह उसके हित के लिए होता है वा अहित के लिए? भंते, अहित के लिए। हे कालामो, जो द्वेषी है, जो द्वेष से अभिभूत है, जो असंयत है, वह प्राणी हत्या भी करता है, चोरी भी करता है, परस्त्री गमन भी करता है, झूठ भी बोलता है, दूसरों को भी वैसा प्रेरणा देता है, जो कि दीर्घकाल तक उसके अहित तथा दुख का कारण होता है। भंते ऐसा ही। तो ये कालामो, क्या मानते हो? पुरुष के अंदर जो मोह उत्पन्न होता है वह उसके हित के लिए होता है या अहित के लिए? भंते, अहित के लिए। तो ये कालामो, जो मूढ़ है, जो मोह से अभिभूत है, जो असंयत है, वह प्राणी हत्या भी करता है, चोरी भी करता है, परस्त्री गमन भी करता है, झूठ भी बोलता है, दूसरों को भी वैसी प्रेरणा देता है, जो कि दीर्घकाल तक उसके अहित तथा दुख का कारण होता है। भंते ऐसा ही है। तो ये कालामो, क्या मानते हो? ये धर्म कुशल है वा अकुशल? भंते, अकुशल है। सदोष है वा निर्दोष? भंते, सदोष। विज्ञ पुरुषों द्वारा निंदित है या प्रशंसित है? भंते, विज्ञ पुरुषों द्वारा निंदित है। परिपूर्ण करने पर, आचरण करने पर अहित के लिए, दुख के लिए होते अथवा नहीं होते, इस विषय में तुम्हें कैसा लगता है? भंते, परिपूर्ण करने पर, आचरण करने पर अहित के लिए होते हैं, इस विषय में हमें ऐसा ही लगता है। तो ये कालामो, यह जो कहा है, ये कालामो, आओ तुम किसी बात को केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह बात अनुसृत है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह बात परंपरागत है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह बात इसी प्रकार कही गई है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह बात हमारे धर्म ग्रंथ पिटक के अनुकूल है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह तर्क सम्मत है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह न्यायशास्त्र सम्मत है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह आकार प्रकार से सुंदर है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह तुम्हारे मत के अनुकूल है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह कहने वाले का व्यक्तित्व आकर्षक है, केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि कहने वाला श्रवण हमारा पूज्य है। हे कालामो, तुम स्वयं अनुभव से अपने आप ही यह जान लो कि ये बातें अकुशल है, ये बातें सदोष है, ये बातें विज्ञ पुरुषों द्वारा निंदित है। इन बातों के अनुसार चलने से अहित होता है, दुख होता है। तो हे कालामो, तुम उन बातों को छोड़ दो। यह जो कुछ कहा गया है, यह इसी संबंध में कहा गया है। हे कालामो, आओ
तुम किसी बात को केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि कहने वाला हमारा पूज्य है। हे कालामु, तुम स्वयं अनुभव से अपने आप ही ये जान लो कि ये बातें कुशल हैं, ये बातें निर्दोष हैं, ये बातें विज्ञ पुरुषों द्वारा प्रशंसित है। इन बातों के अनुसार चलने से हित होता है, सुख होता है। तो हे कालामो, तुम इन बातों के अनुसार आचरण करो। तो हे कालामो, क्या मानते हो? पुरुष के अंदर जो अलोभ उत्पन्न होता है उसके हित के लिए होता है या अहित के लिए? भंते, हित के लिए होता है। हे कालामो, जो अलोभी है, जो लोभ से अभिभूत नहीं है, जो असंयत नहीं है, वो प्राणी हत्या भी नहीं करता, चोरी भी नहीं करता, परस्त्री गमन भी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, दूसरे को भी वैसा करने की प्रेरणा नहीं देता जो दीर्घकाल तक उसके हित तथा सुख का कारण होता है। भंते, ऐसा ही है। तो हे कालामो, क्या मानते हो? पुरुष के अंदर जो अद्वेष उत्पन्न होता है वह उसके हित के लिए होता है वह अहित के लिए? भंते, हित के लिए। हे कालामो, जो अद्वेषी है, जो द्वेष से अभिभूत नहीं है, जो असंयत नहीं है, वह प्राणी हत्या भी नहीं करता, चोरी भी नहीं करता, परस्त्री गमन भी नहीं करता, झूठ भी नहीं बोलता, दूसरों को भी वैसी प्रेरणा नहीं देता जो कि दीर्घकाल तक उसके हित तथा सुख का कारण होता है। भंते, ऐसा ही। तो हे कालामो, क्या मानते हो? पुरुष के अंदर जो अमोह उत्पन्न होता है वह उसके हित के लिए उत्पन्न होता है वह अहित के लिए? भंते, हित के लिए। हे कालामो, जो मूढ़ नहीं है, जो मूढ़ता से अभिभूत नहीं है, जो असंयत नहीं है, वह प्राणी हत्या भी नहीं करता, चोरी भी नहीं करता, परस्त्री गमन भी नहीं करता, झूठ भी नहीं बोलता, दूसरों को भी वैसी प्रेरणा नहीं देता जो कि दीर्घकाल तक उसके हित तथा सुख का कारण होता है। भंते, ऐसा ही है। तो कालामो, क्या मानते हो? ये कुशल धम्म है या अकुशल? भंते, ये कुशल है। सदोष है वा निर्दोष? भंते, सदोष है। विज्ञ पुरुषों द्वारा निंदित है या प्रशंसित? भंते, विज्ञ पुरुषों द्वारा प्रशंसित है। परिपूर्ण करने पर, आचरण करने पर सुख के लिए होते हैं अथवा नहीं होते, इस विषय में तुम्हें कैसा लगता है? भंते, परिपूर्ण करने पर, आचरण करने पर हित के लिए, सुख के लिए होते हैं, इस विषय में हमें ऐसा ही लगता है। तो हे कालामो, यह जो कहा है, हे कालामो, आओ तुम किसी बात को केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह बात अनुसृत है। केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह बात परंपरागत है। केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह बात इसी प्रकार कही गई है। केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह बात हमारे धर्म ग्रंथ पिटक के अनुकूल है। केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह बात तर्कसम्मत है। और केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह न्याय शास्त्र सम्मत है। केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह आकार प्रकार से सुंदर है। केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि यह हमारे मत के अनुकूल है। और केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि कहने वाले का व्यक्तित्व आकर्षक है। केवल इसलिए मत स्वीकार करो कि कहने वाला श्रवण हमारा पूज्य है। हे कालामो, जब तुम स्वयं अनुभव से अपने आप ही ये जान लो कि ये बातें कुशल है, ये बातें निर्दोष है, ये बातें विज्ञ पुरुषों द्वारा प्रशंसित है, इन बातों के अनुसार चलने से हित होता है, सुख होता है, तो हे कालामो, तुम इन बातों के अनुसार चलो। यह जो कुछ कहा गया है यह इसी संबंध में कहा गया है। हे कालामो, जो आर्य श्रावक इस प्रकार लोभ रहित होता है, क्रोध रहित होता है, मूर्था रहित होता है, जानकार होता है, स्मृतिमान होता है, वह एक दिशा, दूसरी दिशा, तीसरी दिशा, चौथी दिशा को मैत्री चित्त से स्पर्श करके विहार करता है। ऊपर, नीचे, बीच में, सर्वत्र, सब तरह से, सब प्रकार से, सारे लोक को विपुल, उदार, अप्रमान, अवैरी, अक्रोधी, मैत्री युक्त चित्त से स्पर्श करके विहार करता है। हे कालामो, उस इस प्रकार की अवैरी चित्त, अक्रोधी चित्त, असकलित चित्त, शुद्ध चित्त आर्य सावक को
इसी शरीर में चार प्रकार के आश्वासन प्राप्त हो जाते हैं। यदि परलोक है, यदि सुकृत दुकृत का फल मिलता है, तो यह होगा कि शरीर छूटने पर मरने के अनंतर मैं सुगति को प्राप्त होऊंगा। यह पहला आश्वासन उसे प्राप्त हो जाता है। यदि परलोक नहीं है, यदि सुकृत दुकृत का फल नहीं मिलता है, तो मैं यहां इस शरीर में अवैरी होकर, अक्रोधी होकर, दुख रहित होकर, सुखी होकर विचरण करता हो, यह उसे दूसरा आश्वासन प्राप्त हो जाता है। यदि करने से किसी का बुरा होता है, तो मैं किसी का बुरा नहीं सोचता हूं। जब मैं कोई पापक्रम नहीं करता हूं, तो मुझे दुख कैसे स्पर्श करेगा। यह उसे तीसरा आश्वासन प्राप्त हो जाता है। यदि करने से किसी का बुरा नहीं होता, तो मैं अपने आप को दोनों दृष्टियों से विशुद्ध पाता हूं, उसे यह चौथा आश्वासन प्राप्त हो जाता है। हे कालामो, उस इस प्रकार के अवैरी चित्त, अक्रोधी चित्त, असक्लिष्ट चित्त, शुद्ध चित्त आर्य श्रावक को इसी शरीर में चार प्रकार के आश्वासन प्राप्त हो जाते हैं। भगवान ऐसा ही, सुगत ऐसा ही, भंते इस प्रकार के अवैरी, अक्रोधी चित्त, असक्लिष्ट चित्त, शुद्ध चित्त आर्य श्रावक को इसी शरीर में चार प्रकार के आश्वासन प्राप्त हो जाते हैं। यदि परलोक है, यदि सुकृत दुष्कृत का फल मिलता है, तो यह होगा कि शरीर छूटने पर मरने के अनंतर मैं सुगति को प्राप्त होऊंगा। यह पहला आश्वासन प्राप्त हो जाता है। यदि परलोक नहीं है, यदि सुकृत दुष्कृत का फल नहीं मिलता है, तो मैं यहाँ इस शरीर में अवैरी होकर, अक्रोधी होकर, दुख रहित होकर, सुखी होकर विचरण करता हूँ, यह उसे दूसरा आश्वासन प्राप्त हो जाता है। यदि करने से किसी का बुरा होता है, तो मैं किसी का बुरा नहीं सोचता हूँ। जब मैं कोई पाप कर्म नहीं करता हूँ, तो मुझे दुख कैसे स्पर्श करेगा। यह उसे तीसरा आश्वासन प्राप्त हो जाता है। यदि करने से किसी का बुरा नहीं होता है, तो मैं अपने आप को दोनों दृष्टियों से विशुद्ध पाता हूँ, यह उसे चौथा आश्वासन प्राप्त हो जाता है। भंते इस प्रकार के अवेरी चित्त, अक्रोधी चित्त, असक्लिष्ट चित्त, शुद्ध चित्त आर्य श्रावक को इसी शरीर में चार प्रकार के आश्वासन प्राप्त हो जाते हैं। भंते सुंदर है, यह हम भगवान की, धम्म की तथा भिक्षु संघ की शरण ग्रहण करते हैं। भंते भगवान, आज से प्राण रहने तक आप हमें शरणागत उपासक जाने। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। तथागत ने बगैर किसी बात को, बगैर परीक्षण के मानने के लिए मना किया है। एक अंधा दूसरे अंधे के पीछे दौड़ रहा है, इसलिए आप भी अंधा बन के उसके पीछे दौड़ो, ऐसा नहीं है। आपको हर बात की जांच करना चाहिए, परख करना चाहिए।
बहुत से लोग उस बात को मान रहे, इसलिए मान रहे आप भी मान रहे, ऐसा नहीं। आपको चेकआउट करना चाहिए, विद्वान महापुरुषों ने इसका समर्थन किया है या नहीं किया, और समर्थन किया तो क्यों कहा है, क्यों किया है। किसी धर्म ग्रंथ में, जैसे सपोज मान के चले कि पिटक के अंदर भी बुद्ध के नाम से किसी ने कुछ भी लिख दिया, तो क्या आपको मान लेना चाहिए? तथागत कहते हैं कि कभी नहीं मानना चाहिए। अगर पिटक में भी लिखा है, मेरे नाम से भी लिखा है, तो भी आपको चेकआउट करना चाहिए कि क्या मैं उस बात का समर्थन करता हूँ। और वो रिजल्ट भी बताते हैं कि उसका रिजल्ट क्या होता है। तो जो राग द्वेष या मोह यानी मूर्ता संयुक्त जो बातें हैं, राग द्वेष, राग यानी आसक्ति, द्वेष यानी दूसरे के प्रति घृणा, और मूर्ता मूढ़, ये तीनों चीज़ें जो है, तो तीनों चीज़ों को जो व्यक्ति अपने अंदर रखता है तो क्या होगा? वो तो एक तो विद्वान नहीं होगा, जानकार नहीं है, मूढ़ है, अज्ञानी है, द्वेष उसके अंदर बहुत भरा हुआ है, आसक्ति बहुत है, लोभ है। लोभ का मतलब होता है कि सारी चीज़ मुझे मिल जाए तो वो क्या करेगा, मुझे मिल जाए करके किसी के पास है तो उसको चोरी करके ले लेगा, झूठ बोल के ले लेगा। वो राग आश्रित उसकी अगर कर्म है, आसक्ति है, काम की आसक्ति, उसे काम आ सकता है, तो अनेक महिलाओं के साथ भोगने के बारे में सोचेगा, परस्त्री ग्रहण करेगा, वो नशा पानी भी करेगा, क्योंकि उसका चित्त जब जगह पर नहीं है तो रात दिन नशा पानी करते रहेगा। वो गलत चीज़ों का प्रचारक होगा, वो गलत चीज़ों को मानने वाला होगा, वो द्वेष का प्रचार करने वाला होगा, क्योंकि वो खुद द्वेषी है। तो इस प्रकार के गलत कर्म जब वो करेगा तो क्या होगा, गलत कर्म करने के कारण उसका रिजल्ट क्या होगा, गलत होगा। तो वो दूसरों के लिए भी हितकारी नहीं है, ना खुद के लिए भी हितकारी है उसके लिए। तो तथागत का जो धम्म है क्या है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो क्या बहुत जनों के हित के लिए गलत कार्य है? नहीं है। खुद के हित के लिए बिल्कुल नहीं है। तो गलत कार्य है तो उसको छोड़ देना चाहिए, भले ही किसी धर्म ग्रंथ में लिखे गए हैं, भले ही किसी भगवान के नाम से लिखे गए हैं तो भी नहीं मानना चाहिए, किताबों के अंदर लिखे गए तो भी नहीं मानना चाहिए, जनता मूर्तावश किसी गलत प्रथा का अनुसरण कर रही तो भी उसको नहीं मानना चाहिए। आपको हर बात को चेकआउट करना चाहिए, और चेकआउट करके ये जानना चाहिए कि ये मूर्ता निर्माण करने के लिए तो नहीं है, अज्ञान निर्माण करने के लिए तो नहीं है, ये द्वेष के लिए तो नहीं है, ये लोभ निर्माण करने के लिए है। लोभ का मतलब होता है आसक्ति, आसक्ति का मतलब है कि मुझे सब कुछ मिले, किसी को कुछ मिले ही नहीं, बहुत जनों का हित नहीं, खुद का ही हित हो, हित मतलब किसी भी प्रकार से हो। तो इस प्रकार से जो लोभिष्ठ आदमी होता है, जो कंजूस आदमी होता है, कंजूस यानी अपने में से किसी को कुछ देता ही नहीं, लोभ यानी हर किसी का हड़पना चाहता है, वो चाहता है कि किसी को कुछ मिले ही नहीं, तो इस प्रकार के जो नेचुरल वाले या व्यवहार वाले जो लोग होते हैं वो गलत सिद्धांत के अनुयायी होते हैं, और गलत सिद्धांत के अनुयायी होने के कारण गलत मार्ग पर जा भटकते हैं। तो इसलिए तथागत ने इन सब बातों का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि आपको कैसे रहना चाहिए, आपको आपका चित्त मैत्रीयुक्त रखना चाहिए, मैत्रीयुक्त चित्त रखने के लिए मैत्री पर भावना करनी चाहिए, चित्त को मुदितायुक्त होना चाहिए, प्रसन्नतायुक्त होना चाहिए, करुणा से भरपूर होना चाहिए, करुणावान होना चाहिए, और गलत बातों की उपेक्षा करते हुए सही के तरफ आपका फोकस होना चाहिए। तो तथागत का जो धम्म है, तथागत का जो उपदेश है, वो बहुत सटीक है, वो आपके भलाई के लिए है, आपके परिवार के भलाई के लिए, समाज के भलाई के लिए, सबके उन्नति के लिए, खुशहाली के लिए, बहुत जनों के हित के लिए, बहुत जनों के सुख के लिए है। तो तथागत के बातों को जानकर समझकर ग्रहण करना चाहिए, अंधे जैसा नहीं मानना चाहिए। कोई भी आए तथागत के नाम से कुछ भी बात बताए तो आपको नहीं मानना चाहिए, आपको उसका परीक्षण करना चाहिए, परीक्षण करके ही उसको मानना चाहिए। इसलिए तथागत के धम्म के अंदर है, जानिए तब छानिए फिर मानिए। पहले उसको जान लीजिए, फिर एनालिसिस करिए कि ये सही है या गलत है, फिर लगता आपको कि ये सही है, ये सही है, तब आपको उसको मानना चाहिए, वरना नहीं मानना चाहिए। तो सही है कि भी बहुत सारे चेकआउट है कि तथागत ने ये बात कही तो क्यों कही, उसके पीछे का ऑब्जेक्ट क्या था, उसको मानने से क्या लाभ होगा, क्या अलाभ होगा। तो आपको हर बातों को
जानना है, मानना है। अंत में उद्देश्य यही है कि आपके चित्त की शुद्धि हो, हमारे चित्त की शुद्धि हो, चित्त भव बंधनों से मुक्त होकर हम सबकी सुगति हो, अच्छी गति हो। तो एक आश्वासन की बात भी तथागत इसमें देते हैं। तो ये कालाम सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। इसको, इस वाणी को आपने शांति से सुना, ग्रहण किया, आपका मंगल हो, शुभ मंगल हो। इसी कामना के साथ नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।